अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ब्रदर अज़ीज़, ये अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने दावत दीन जैसे अहम फरीज़े के लिए हमको चुना। हमने साल की शुरुआत से ये तय किया है कि हम बरदरान वतन तक इस्लाम की दावत उसके हकीकी पस मंज़र में उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी ज़मन में आप देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने में हमने बहुत सारी कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स में बहुत ही जोशीले अंदाज में काम करते हुए हमारे मेहमान दिखे, हमारे एसोसिएट दिखे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की। रेस ये कोई हमारी एक एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि ये हमारा एक मुस्तकिल करने का काम है और ये बढ़ते हुए फ़िरका परस्त ताकतों का मुँह तोड़ जवाब भी है। आज के इस दौर में हम देखते हैं कि मजहब के दरमियान नाचाखियाँ बढ़ती जा रही है। एक मजहब दूसरे मजहब पर उसके हकूक़ की पामाली कर रहा है। दूसरी जगह, तीसरी जगह ये देखा जाता है कि हमारे पास वैल्यूज़ इसकी भी बहुत हद तक पामाली हो रही है। मेरा दर्ज़ आप जानते हैं कि मधु और दाई, इन दोनों के दरमियान एक गहरा रब्त है, एक गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे मधुइन बरदरान वतन के दरमियान हमारे मतलब बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और यही गलत फहमियाँ इस दावत की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। हम ये देखते हैं कि इज्तमाही तौर पर और ख़ुद इनफरादी तौर पर हम इस चीज़ को उनके सामने पेश करने में बहुत हद तक पीछे रहे। हमने उन तक इस्लाम को नहीं पहुँचाया, हमने उन तक इस्लाम को हमारे अखलाक, किरदार और हमारे फेल के ज़रिए नहीं पहुँचाया, जिसका नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। आप लोग जैसा कि हम बहरा सुनते हैं कि शहनशाह हरकुल रोम जब जंग हारने लगा, यह बार बार जब उसको कोशिश करने के बाद भी फतेह नसीब नहीं हो रही थी, तो उसने अपने पास मौजूद सरबर आवरदा लोगों को जमा किया और उनसे राय जानने की कोशिश की कि मुसलमान क्यों बार बार उनको हरा रहे हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर जो बातें कही थी वो बहुत ही अहम है और उस पर हमें सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान के अखलाक बहुत अच्छे हैं और हमारे अखलाक ख़राब है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमान रात के इबादत गुजार हैं और दिन के शेर सवार हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि मुसलमान बदअहदी नहीं करते, मुसलमान धोखा नहीं देते, मुसलमान शराबखोरी नहीं करते। और उनसे उसमें एक चीज़ और उन्होंने कही कि मुसलमान अदल व इंसाफ उनका शहर है। एक जो बहुत अहम बात उन्होंने कही थी कि मुसलमान इंथोजियास्टिक है और इनके अंदर कंसिस्टेंसी है। ये अपने जो भी काम को करते हैं बहुत जोशीले अंदाज में करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं। और लास्ट बात जो उन्होंने ख़ुद अपनी कौम की कमज़ोरी, हरकुल की कौम की कमज़ोरी बताई थी, वो कहा कि हम जोश से और मुस्तकिल मिजाजी से खाली है। ब्रदर अज़ीज़, आप जानते हैं कि दावत का काम ये एक ऐसा काम है जिसमें जोश और मुस्तकिल मिजाजी ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। हम देखते हैं कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिमाली तिर्मिज़ी में कहा है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन रहते थे, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम बातें करते थे। एक तरह से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्र में रहते थे। उसी तरह से ख़ुद कुरान ने भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अपनी आपको हलाक कर डालेंगे इसलिए कि ये लोग ईमान नहीं लाते। प्रणदेश, हम देखते हैं कि हमारे इस सोसाइटी में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो है जो इस्लाम की दावत उन तक पहुँची है लेकिन गलत अंदाज में पहुँची है, और दूसरे वो है जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुँची है। और ये बहुत बड़ा तबका है जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुँची है। हमको ये कोशिश करना होगा कि हमको उन तक इस्लाम का लिटरेचर, कुरान की तालीमात, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और जो दूसरा तबका है जिन तक इस्लाम की दावत पहुँची लेकिन गलत पस मंज़र में, तो हमको ये कोशिश करना होगा कि हमको हमारे अखलाक, हमारे फेल, हमारे किरदार, हमारी अदर एक्टिविटीज़ के ज़रिए उन तक इस्लाम की सही तालीमात को पेश करना होगा। आखिरी बात ये कि जब भी हम दावती फील्ड वर्क वगैरह के लिए निकले तो हमारे जो भी लिटरेचर है जो हम बरदरान वतन तक पहुँचाना चाहते हैं उसका अच्छी तरह से पहले मुताला कर लें। हम कबल उस वक्त हमारे दावती फील्ड वर्क की डेट्स तय करें, मकाम तय करें और अफराद को पहले से ही इस बात की ताकीद कर दें कि हम कब दावती फर्क करने वाले हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है ये कि हम जब दावती फील्ड वर्क के लिए जाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन हो और ख़ुद अपने आप पर पूरा भरोसा हो, यानी हम पूरे खुद एतमादी के साथ और पूरी हिकमत के साथ इस्लाम की दावत उनके सामने पेश करें। और सबसे आखिर और अहम बात ये कि हम हमारे मदुइन के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में
रात में उठकर दिन के बेहतरीन औकात में दुआएं करें, उनके नाम लेके दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काम को बेहतरीन और बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु गायतुना।